प्रेगनेंसी के चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना और सातवें महीने में तीन पॉइंटों से महिला कैसे पता कर सकती है कि उसके पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। देखो, ये कोई विदेशी स्टडीज हैं जिनसे उन्होंने अध्ययन करके एक लोकल पॉपुलेशन में पता किया है, पर ये कभी भी जो अध्ययन है ये कभी बुक में नहीं आ सकता क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर पाया। अगर मैं बुक की बात करूं, मतलब साइंटिफिक रिसर्च हो जाता है यानी साइंटिफिक प्रूफ हो जाता है तो वो बुक में आ जाता है, पर ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो प्रूफ नहीं दे पाई इसलिए कभी बुक में नहीं आती। वैसे बुक में हम पोजिशन बच्चे की पढ़ते हैं, बच्चे की हलचल हम पढ़ते हैं, पर इनसे हमें इतना ही पता चलता है कि इन किताबों में साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि बच्चे की धड़कन यहाँ है और हलचल यहाँ है, तो हम इससे बच्चे की पोजीशन का पता चल सकता है या हमारे बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही होगी इस चीज़ का पता कर सकते हैं, ये इतना ही प्रूफ देता है। पर ये कुछ लोकल पॉपुलेशन में अध्ययन हुए हैं यानी हजार महिलाओं पे उन्होंने अध्ययन करके पता किया कि किस महिला को यहाँ हलचल हुआ या उनकी पेट की शेप इस टाइप की थी या उन्होंने कब फील किया तो उससे ऐसा ऐसा फील हुआ तो उनको लड़का था, ऐसा ऐसा फील हुआ तो उनको लड़की थी। अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले फोर्थ मंथ को हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो बच्चे की हलचल है, महिला को जो किक महसूस होती है, वो किसी महिला को फोर मंथ से लेके किसी महिला को सिक्स मंथ के बीच में, यानी सिक्स मंथ तक हर महिला को ये बच्चे का हलचल फील हो जाती है। अब इस हलचल की मैं बात करूं कि इनमें इन्होंने बताया कि हलचल से पेट में लड़का और लड़की का कैसे पता लगाते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो हलचल है, आपको चौथे महीने से लेके पांचवा महीना, स्टार्टिंग जो एक तारीख आती है पांचवा महीने की, यानी पांच महीना कम स्टार्ट होता है उससे पहले ही आपको अगर बच्चे की हलचल महसूस हो जाती है तो उनका कहना है कि बेबी बॉय यानी लड़का है, कि लड़का हमेशा एक्टिव होता है और वो पेट में एक्टिव रहता है, ऐसा उनकी स्टडीज कहती है। मैं नहीं कहता कि लड़का होगा यदि आपको चौथे और पांचवें महीने के बीच में ही आपको फील हो जाता है, जबकि हमारे ये साइंस ये कहती है कि फोर से सिक्स मंथ में जो बच्चे की आप हलचल महसूस करते हैं, जो पहली बार माँ बनती है उसको लेट महसूस होती है क्योंकि उसका टम्मी बिल्कुल जो यूट्रस होता है वो टाइट होता है, वो पेट जल्दी से बढ़ता नहीं है तो बच्चा जल्दी से घूम नहीं पाता अच्छे से, इस वजह से उसको पाँचवें छठे महीने में ज़्यादा महसूस होती है। और जो महिला जो पहले से प्रेग्नेंट हो चुकी है या उसको दूसरी तीसरी बार माँ बन रही है तो उसका जो यूट्रस है वो थोड़ा लूज हो जाता है, पेट भी उनका थोड़ा लूज हो जाता है, इसका मतलब उनको जल्दी बच्चा घूमता है और जल्दी फील हो जाता है, ये हमारी साइंस कहती है। पर वो ये कहते हैं कि चौथे और पांचवें महीने में यदि आपको महसूस होता है किक तो आपको लड़का होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इनका ये है कि आपको जो बच्चे की किक मूवमेंट फील होते हैं वो आपको पेट के ऊपर के साइड यानी आपकी छाती के साइड में आपको फील होते हैं, ये गर्ल्स का साइन है, जो हम सिंबल गर्ल्स और बॉयज का करते हैं, तो ऐसा उन्होंने पेट पे दर्शाया है कि ज़्यादातर महिलाओं को जो इस साइड ऊपर की साइड यहाँ किक महसूस होती थी तो उनको लड़की हुई। फिर उन्होंने कहा कि मोस्टली लड़का उनको हुआ, कि लड़का होने का सिंबल जो ये है, इस सिंबल का मतलब है कि इनको बाईं तरफ महिला को और वो भी नीचे की तरफ फील हुआ तो उनको लड़का हुआ। ये उन्होंने हजार महिलाओं पे स्टडीज की थी और हजार में उन्होंने देखा गया, महिलाएं ने उन्हें बताया कि उनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कहाँ फील हो रहा है, उनकी पेट की टम्मी की साइज वो देख के नोट करते हैं, और फिर उन्होंने पता किया कि जब उनके बेबी गर्ल या बेबी बॉय हुआ तो उन्होंने देखा कि मोस्टली को जो ऊपर फीलिंग आती थी मूवमेंट की या किक ऊपर मारता था उनको लड़की हुआ, और बाईं तरफ जो किक आती है और नीचे की तरफ, बाईं तरफ नीचे की तरफ और बीच की तरफ जो किक आती है इसमें लड़का बोला गया। फिर दाएं तरफ की बात करें तो नीचे की तरफ नहीं, बीच की साइड में उन्होंने बोला कि लड़का है, बाकी जगह उन्होंने बोला कि लड़की है। तो ये उन्होंने दिया कि जो किक महसूस होती है वो चीज़ बताइए, पाँचवें महीने से लगभग सबको किक सुनाई देना स्टार्ट कर देती है, ये किक छठे सातवें आठवें नौवें महीने तक हमेशा, तो जब तक नौ महीने में डिलीवरी होती है तो मोस्टली आठ महीने तक महिला को फील होता है क्योंकि नौवें महीने में बच्चा बढ़ जाता है और ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो घूम नहीं पाता, इस वजह से किक कम फील होता है, पर फिर भी उनको फील होता है महिला को। तो ये बेबी का मूवमेंट से और किक कब मार रहा है इससे दोनों से पता वो कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, तीसरे पॉइंट में इन स्टडीज़ ने ये बताया है
कि महिला के पेट का आकार देखे, जो पेट का आकार पांचवें महीने से स्टार्ट होता है, पर ये आकार लगभग पूरी तरह से हमारा सातवें महीने में अच्छे से आकार बनता है पेट का। तो सातवें आठवें महीने में पेट का आकार देख के उन्होंने बताया गया है कि अगर पेट गोल मटोल है, बिल्कुल गोल मटोल पेट है, तो ये क्या होगा, बेबी बॉय का सिंबल दिया है इन्होंने। यदि पेट की शेप है ना गोल मटोल ना होके, यानी इस साइड से कम हो, इस साइड से कम हो और नीचे की तरफ लटका रहे, तो उन्होंने बोला है कि ये क्या है, लड़की है। क्यों उन्होंने बोला है कि लड़की का सिर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं, इसलिए यहाँ किक मारती है, यहाँ किक मारती है और नीचे की तरफ भारी सिर होने की वजह से महिला का पेट है वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। इस शेप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख रहे हैं इस महिला का जो पेट की शेप है वो नीचे से इस तरह से है, ठीक है, एकदम से गोल नहीं है, वो एक तरह से क्या हो रही है, लटकी हुई है। यहाँ नीचे की तरफ से क्या हुआ, यहाँ नीचे की तरफ एक तरह से ब्लग निकला हुआ है, जैसे किसी का तोंद निकलती है उस टाइप की है, यानी लंबी शेप का है, ऐसे लंबाई में ज़्यादा है और ऐसे कम है। तो ये क्या हुआ, यहाँ इन्होंने सिंबल दे दिया कि ये लड़की का है, और इस तरह से बिल्कुल गोल मटोल सा अगर ये पेट बता रहे हैं, बिल्कुल आपका नीचे से लटका हुआ नहीं है और इसमें बताया है कि बिल्कुल सा गोल है, तो यहाँ लड़का होने की संभावना उन्होंने स्टडीज़ में दिया है। बाकी ये भी प्रूफ नहीं है कि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई मेडिकल रिसर्च नहीं कहती इस बात को, बट कुछ नोकल अध्ययन जो विदेशों में हुए हैं ये उसको कहते हैं, क्योंकि इंडिया में तो हर महिला बताती नहीं है, क्योंकि उनसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बुरा मान जाती है, बताती नहीं है, पर विदेशों में खुला है कि उनसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विदेशों में तो कईयों में ये भी है कि अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि लड़का है लड़की है, पर इंडिया में अल्ट्रासाउंड से बताने पे बैन है, इसलिए कोई नहीं बताएगा। इवन डॉक्टर को बताना तो बहुत दूर की बात है, डॉक्टर को वो चीज़ पार्ट की जांच करना भी मना है, वो जांच ही नहीं करेगा उस पार्ट की। जब उस पार्ट की जांच नहीं करेगा तो वो आपको कैसे बता सकता है, क्योंकि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्डिंग से गवर्नमेंट उसको पकड़ सकती है, क्योंकि हर अल्ट्रासाउंड मशीन गवर्नमेंट से वो जुड़ी हुई है, यानी उसमें जो भी वो ट्रैक करेगा, जो भी वो देखेगा, वो गवर्नमेंट को पता चलेगा। अगर उस पार्ट को देखता है तो वहाँ अलार्म बजता है और पता चलता है, तो इस चीज़ को वो इंडिया में डॉक्टर देखेगा ही नहीं, किसी विशेष कोर्ट की परमिशन, यानी जो कोर्ट होता है उसकी परमिशन की वजह लेके ही कभी देख सकता है। अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हुई, कोई बीमारी हुई, उस कंडीशन में देखने की ज़रूरत होती है, तो पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, समझ रहे हो आप, तब तक नहीं तो इंडिया में कोई भी डॉक्टर उस चीज़ को नहीं देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, एक पेट में जो काली ब्लैक लाइन बनती है, आप देख रहे हैं ये लाइन सी, इस लाइन से भी इन्होंने बताया है कि गहरी और लंबी लाइन बनती है तो लड़का होगा और छोटी लाइन बनती है तो लड़की होगी। उन्होंने ये माना है कि मोस्टली लड़कियाँ, विदेशों के अकॉर्डिंग है तो विदेशों में मोस्टली लड़कियाँ गोरी होते हैं, लड़के भी गोरे होते हैं, पर फिर भी ये होता है कि लड़कों की तुलना में लड़की गोरी होती है और ये काले लोगों में ज़्यादा बनती है। तो अगर आपकी लड़की गोरी है, पेट में गोरा बच्चा है, तो उसमें ये लाइन कम बनेगी और उसमें लड़की होने के चांस ज़्यादा हैं, और यदि आपका पेट में लड़का है और वो काला है तो ये लाइन ज़्यादा बनने की, ये उन्होंने कहा है। कुछ लोग बहुत मैसेज करते हैं कि वो आप मुझसे कैसे बात करें, तो मुझसे बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, इसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देख लो, कॉल मी फॉर ऐप क्या होता है और इससे कैसे बात कर सकते हैं। वहाँ जाके आप अकाउंट बना के आप वहाँ मुझे सर्च करेंगे मिस्टर श्याम, मेरा चैनल का नाम है मिस्टर SHYAM, आप ये सर्च करेंगे तो मेरा लोगो आ जाएगा और मेरी फ़ोटो आ जाएगी, वहाँ जाके आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ ना तो ना आपके नंबर मेरे पास आएंगे और ना मेरे नंबर आपके पास जाएंगे, इसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं आगे वाले दिनों में ये भी बता दूंगा कि आप मुझसे फ्री में कैसे बात कर सकते हैं इसके द्वारा, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।